गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब एंड वंस अगेन आई एम विद प्रैक्टिस सेट नंबर 14 एंड देयर इज अ कोटेशन फॉर यू, योर ड्रीम शैल कम थ्रू, योर ड्रीम विल कम थ्रू नहीं लिखा मैंने, योर ड्रीम शैल कम थ्रू यानी आपके सपने निश्चित ही पूरे होंगे, आपका जो ख्वाब है वो निश्चित पूरा होगा। Let's begin with practice set number 16. Okay, let's begin. This is the first question for you. Really and truly, your politics is not good at all. So you had better. याद है? You had better. अच्छा रहेगा. You had better. Go through the works of Aristotle, Plato, Karl Marx and Gandhi. Really and truly, यानी वास्तव में, your politics is not good at all. यानी आपकी जो राजनीति है वो अच्छी नहीं, या आपकी जो राजनीतिक क्षमताएं हैं वो अच्छी नहीं है. So इसलिए you had better, आपके लिए अच्छा रहेगा, go through the works. Go through means अध्ययन करना, गहराई से पढ़ना. Go through the works of Aristotle, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अरस्तु के जो रचनाएं हैं, प्लेटो की जो रचनाएं हैं, कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं हैं, या गांधी की जो रचनाएं हैं, आप उनका गहराई से क्या करें, अध्ययन करें. क्या गलत है इस पर? जिन बच्चों ने नाउन में बेहतर मेहनत किया होगा वो बच्चे देखते ही समझ जाएंगे कहां पर एरर हो रही है. रियली एंड ट्रूली सही है. योर पॉलिटिक्स इज नॉट गुड एट ऑल. योर पॉलिटिक्स इज नॉट गुड एट ऑल. आर वी टॉकिंग ऑफ द पॉलिटिक्स सब्जेक्ट? क्या हम जो सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स का उसकी बात कर रहे हैं? Are we talking of your politics, means your political calculations? किन की बात कर रहे हैं? आपको पढ़ाया गया है जब भी पॉलिटिक्स के पहले कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो पॉलिटिक्स विषय न होकर के राजनीतिक क्षमताओं में कन्वर्ट हो जाता है. अगर यहाँ पे योर पॉलिटिक्स है तो आप समझ सकते हैं यहाँ इस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा. नाउन का क्वेश्चन है, याद होगा आपको. तो रियली एंड ट्रूली योर पॉलिटिक्स आर नॉट गुड एट ऑल. बाकी सब सही आपका है. यहाँ जो वर्क्स है वो रचनाओं के सेंस में सही होता है, अगर ये कार्य के सेंस में होता तो गलत होता. पर हम एरिस्टोटल, प्लेटो, कार्ल मार्क्स या गांधी की रचनाओं की बात कर रहे हैं इसलिए सही यहाँ पे. यहाँ पे योर पॉलिटिक्स इज नहीं होता. अगर हम पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात करते तब इज हो जाता, बट हम उसकी राजनीतिक क्षमताओं की बात कर रहे हैं इसलिए योर पॉलिटिक्स आर नॉट गुड एट ऑल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू. देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल हु हैव कम फ्रॉम अमेरिका टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू टेल हिम देयर प्रॉब्लम्स. देख लें और बताएं क्या गलत है. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें, धीरे धीरे हर लेवल पे आप फिट होते जाएंगे. क्या गलत है? देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, इसमें कुछ गलती है. हु हैव कम फ्रॉम अमेरिका टू मीट, इसमें कुछ गलती है. या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया to tell him their problems, इसमें कोई गलत. There is a boy and a girl, अगर यहां पर होता there is a boy and a girl तो गलत होता. There is a boy and a girl होता तो भी गलत होता, लेकिन अभी भी गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि यहां a boy and a girl है. तो कितने रियल सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? दो, अ बॉय एंड अ गर्ल. अगर दो सब्जेक्ट्स हैं तो फिर देयर के साथ क्या आएगा? इज नहीं, आर आ जाएगा.
जो बच्चे भटके हुए हो वो इसलिए भटके हुए होंगे क्योंकि देयर इज अ बॉय, वो अब बॉय पे ध्यान दे रहे हैं और गर्ल भी तो है, दोनों रहे हैं यहां पे, तो देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हु हैव सही है, यहां अ बॉय एंड अ गर्ल है तो हु है सही है, हैव है सही है, रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल के अनुसार आएगा सही है, हु हैव कम फ्रॉम अमेरिका सही है, टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सही है, टू टेल हिम, हिम किसके लिए है, प्राइम मिनिस्टर के लिए है सही है, देयर उन अ बॉय और गर्ल के लिए है तो देयर भी सही है और प्लूरल प्रॉब्लम्स भी सही है, यहां गलत है, देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल, अच्छा लगा होगा ऐसे प्रश्न करेगा। नेक्स्ट कॉमन एरर है आपका, सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट, यानी कुछ विशेष मुद्दे जो सही मुद्दे होते हैं वे एग्जिस्ट, अस्तित्व में रहते हैं, उठते ही रहते हैं विद द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम, न्यूली सही है, एडॉप्टेड वर्ब है तो फिर न्यूली सही हो, विद द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम यानी जो नया नया एडॉप्टेड सिस्टम यानी एडॉप्ट किया हुआ सिस्टम है, एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली, और जरूरत है कि उस जेन्युइन या उन जेन्युइन जेन्युइन एसूस की एग्जामिन सीरियसली किया जाए। फिर से देख लें, सम जेन्युइन एसूस एग्जिस्ट विद द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली, क्या गलत है आप सोचें, समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है आप, सम जेन्युइन इश्यूज प्लूरल है तो प्लूरल है तो वर्ब तो प्लूरल, कहां गलत है, सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट सही, विद द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम सही, एंड और एंड नीड्स, ये नीड्स किसके लिए है, ये नीड्स है सम जेन्युइन इश्यूज के, सब्जेक्ट तो वही ना, एंड के बाद हमने सब्जेक्ट तो लिया नहीं है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कॉमन है सम जेन्युइन इश्यूज, और इसी सब्जेक्ट के लिए यहां पर एग्जिस्ट लिया गया और यहां पर नीड्स तो लिया गया, यानी ये तो सही है क्योंकि प्लूरल है तो एग्जिस्ट ही आएगा, लेकिन ये गलत है, नीड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नीड हो जाए, ये भी अच्छा लगा होगा, ऐसे क्वेश्चंस करें, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको सीजल पी और मेंस वगैरह के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं, तो सीजल पी तो आपका हो चुका है, जो बच्चे मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हो या आगे सीएचएसएल के प्रिपरेशन कर रहे हो वो बच्चे जरूर इस तरह के लेवल को मेंटेन करें तो फायदा होगा, ठीक है, तो सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम and need to be examined seriously. Sentence filler पे आ गए हम लोग, she was aware of what was going dash her father's mind. She was aware of what was going dash her father's mind. जल्दी से सोचें, जल्दी से, सोच लिया, शी वॉज अवेयर यानी उसे पता था ऑफ व्हाट वॉज गोइंग डैश हर फादर्स माइंड, कि उसके दिमाग में क्या विचार यानी उसके पिता के दिमाग में क्या विचार चल रहा है ये उसे पता था, क्या हुआ, शी वॉज अवेयर ऑफ व्हाट वॉज गोइंग थ्रू हर फादर्स माइंड या व्हाट वॉज गोइंग ऑन हर फादर्स माइंड, अब ये गोइंग आन तो यहां नहीं होगा, गो आन में जारी रहना, यहां नहीं कोई रिलेशन बनना है, व्हाट वॉज गोइंग इन हर फादर्स माइंड या व्हाट वॉज गोइंग बाय, अभी गो बाय तो नहीं होगा यहां पे, याद किया जाना या इस सेंस में नहीं आ गया, हमें चुनना है थ्रू या इन में से, और मुझे पता है आप में से ज्यादातर जो बच्चे हैं
वो ये चूज करेंगे और वो गलत ही चूज करेंगे, यानी गलत है। शी वॉज अवेयर ऑफ वट वॉज गोइंग इन हर फादर्स माइंड, होगा इन हर फादर्स माइंड नहीं होगा, शी वॉज अवेयर ऑफ वट वॉज गोइंग थ्रू हर फादर्स माइंड, होगा गो थ्रू हर फादर्स माइंड मीन्स उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, ये होगा। और इन हर फादर्स माइंड उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में बुद्धि है ना, उनके दिमाग में कौन सा विचार चल रहा है, ये सेंस यहां पे है। तो शी वॉज अवेयर ऑफ वट वॉज गोइंग थ्रू, नॉट इन, गोइंग थ्रू हर फादर्स माइंड, यानी ए ऑप्शन हो चुका। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, सेंटेंस फिलअप। द स्टूडेंट्स आर टोल्ड, बच्चों को बताया गया है, टू ध्यान रखिए टोल्ड टू है लेकिन ये सही है, पैसिव वॉइस में आप टोल्ड टू का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वॉज टोल्ड टू डू दैट वर्क, सही। तो द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू डैश दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, इन बच्चों को कहा गया है कि इन शब्दों को वो डिक्शनरी में क्या करें, वो डिक्शनरी में लुक डाउन करें, वो डिक्शनरी में लुक आफ्टर करें, वो डिक्शनरी में लुक इनटू करें, या वो डिक्शनरी में लुक अप करें। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम्स में दिया गया है और मुझे पता है जिस भी बच्चे ने अनसॉल्व पेपर से प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व किए होंगे वो बच्चा निश्चित ही इसे सही कर रहा होगा। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और आप देखें कुछ चीजें आपके लिए खेल हो जाए, लेकिन ध्यान रखें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से कुछ बहुत नहीं होने वाला है। आप करें क्या, जैसे मैंने 14वां सेट दिया है, कल ये 15 सेट हो जाएगा ना, तो आप करें क्या, इन 15 सेट्स को तीन तीन भागों में बांट लिया, 5 सेट किसी दिन रिवाइज कर लिया, फिर 5 सेट किसी दिन रिवाइज कर लिया, फिर 5 सेट फिर से रिवाइज कर लिया, तब वो आपकी पूंजी बनेगी और वो या उस पर आधारित कोई प्रश्न दिया जाएगा तो आपको आ जाएगा। ये सिस्टम बनाएंगे तब फायदा होगा, पढ़ते रहेंगे तो आप भूलते जाएंगे, इसलिए रिवाइज करते रहेंगे 5-5 सेट के रूप में, तो हर हाल में आप सफल हो जाएंगे और आप जरूर चाहेंगे आप सफल हो। द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू, यानी उन बच्चों से कहा गया है कि इन वर्ड्स को डिक्शनरी में क्या करें, लुक डाउन करें, नहीं, लुक डाउन मीन्स होता है अपमान की निगाह से, तिरस्कार की निगाह से देखना, नाक भौ से कोड़ना, तो यहां ये शब्द तो काबिल नहीं, सही नहीं, डिजर्व नहीं करता है। लुक आफ्टर करें, बिल्कुल नहीं, उन शब्दों की देखभाल करने के लिए नहीं कहा गया। लुक इनटू करें, उन शब्दों की जांच या जांच पड़ताल करने को नहीं कहा गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, लुकअप। लुकअप मीन्स शब्दों को खोजना, डिक्शनरी में जब आप शब्दों को खोजते हैं तो आप लुक अप का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू लुक अप दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, काम आएगा अगर आप याद कर लेंगे, डिक्शनरी दिया गया है, दीज वर्ड्स दिया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लुक अप, तलाश करना, देखना। ओके, इडियम्स है हमारे सामने, दीज मेन विश, यानी ये व्यक्ति चाहते हैं टू मेक अ फास्ट बक, टू मेक अ फास्ट बक ये एक इडियम है, इसका क्या अर्थ होता है, टू मेक अ फास्ट बक का टू अर्न सम मनी क्विकली, बहुत जल्दीबाजी में बहुत जल्दी कुछ पैसे वगैरह कमा लेना होता है, या टू लूज सम मनी क्विकली, या उन पैसों को खो देना होता है, या टू कुक अ मील क्विकली, जल्दी से भोजन पका लेना होता है, या टू रन वेरी फास्ट, या फिर बहुत तेज दौड़ना होता है, क्या हो, यानी टू मेक अ फास्ट बक, क्या बोला मैंने, टू मेक अ फास्ट बक का अर्थ क्या होता है, याद आ रहा है, पढ़ाया आपने, नहीं पढ़ा होगा आपने, मुझे लगता आपने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, बट मेहनत करें इन सब चीजों पे। दीज मेन विश टू मेक अ फास्ट बक, टू मेक अ फास्ट बक मीन्स होता है बहुत शीघ्रता से कमाई कर लेना, पैसे वर कमा लेना, ए ऑप्शन हो जाएगा, टू मेक अ फास्ट बक इज इक्वल टू अर्न सम मनी क्विकली, यानी इसकी मीनिंग है जल्दी जल्दी से कुछ पैसे वर कमा लेना, तो टू मेक अ फास्ट बक टू अर्न सम मनी
क्विकली, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट idiom है आपका, वी डिड नॉट वॉन्ट टू फॉरबिड द बैंक्स, हम इन बैंक्स को फॉरबिड नहीं करना चाह रहे। क्या गलत है, इसका क्या अर्थ है? टू फॉरबिड समवन टू एंटर द रूम, किसी को कमरे में आने से मना करना नहीं चाह रहे हैं, या टू ऑब्जेक्ट टू अ मैरिज, या एक शादी का विरोध करना होता है, या टू क्रिटिसाइज समवन बिटरली, या किसी की बहुत क्रिटिसाइज करना होता है, तीखी आलोचना करना होता है, या टू बैन अ टीम फ्रॉम प्लेइंग, या किसी टीम को खेलने से बैन कर देना होता है। क्या हो चुका है सोचे, वी डिड नॉट वॉन्ट, हम नहीं चाहते थे टू फॉरबिड द बैन। पढ़े नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े तो पढ़िए ना, याद करिए। और मैं यहां दे रहा हूं, रेगुलर आपको दे रहा हूं, इसीलिए ये सब चीजें रेगुलर मैं दे रहा हूं कि आप चीजें एक समय एक मुस्त आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपकी तैयारी हो जाए। ओके, तो टू फॉरबिड द बैंस मींस होता है टू ऑब्जेक्ट टू अ मैरिज, किसी विवाह में प्रतिरोध करना, उसका विरोध करना, उस पर बैन करना। तो टू फॉरबिड द बैंस मींस टू ऑब्जेक्ट टू अ मैरिज, किसी शादी वगैरह की खिलाफत करना, उसका विरोध करना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गए, द कोर्ट वॉज फोर्स्ड, यानी कोर्ट जो थी वो मजबूर हो गई, टू रिस्पेक्ट द प्रोफंडिटी ऑफ द लर्न्ड जजेस नॉलेज। कोर्ट मजबूर हो गई टू रिस्पेक्ट, कि वो सम्मान करे द प्रोफंडिटी ऑफ द लर्न्ड जस्ट नॉलेज, यानी जो वो शिक्षित जज का ज्ञान था, यानी जो विद्वान जज का ज्ञान था, उसका सम्मान करने के लिए कोर्ट बाध्य हुई। तो क्या था उस जज के पास, क्या था, प्रोफंडिटी थी, या उस जज के पास प्रोविटी थी, या उस जज के पास प्रॉक्सिमिटी थी, या उस जज के पास प्रोडिगलिटी थी, या वास्तव में प्रोफंडिटी यहां पे सही है, क्या सही है? प्रोबिटी नैतिकता को कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी आप जानते हैं निकटता है, निकट भविष्य में होने वाली किसी चीज को कहते हैं, प्रोडिगलिटी प्रोडिगल से बना, एक्स्ट्रा वगेंस, यानी जब आप बहुत अधिक वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं पैसे वगैरह, यह प्रोडिगलिटी कहलाता है। प्रोफंडिटी क्या होता है, ज्ञान, जब आपके पास व्यापक ज्ञान वगैरह होता है तो आप प्रोफाउंड होते हैं, उस प्रोफाउंड में जब ITY जोड़ा गया तो वो क्या हो गया, हट गया, और ये हो गया प्रोफंडिटी। तो क्या कोर्ट उस जज के ज्ञान की नैतिकता की वजह से उसका सम्मान करने के लिए बाध्य हुई? नहीं, बहुत नैतिक बहुत लोग यहां पे हैं, प्रॉक्सिमिटी का कोई रिलेशन नहीं यहां पे है। प्रोडिगलिटी के लिए कभी कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा, तो वास्तव में प्रोफंडिटी खुद क्या यहां पे बेहतर है, बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो थी वो मजबूर थी उस विद्वान जस के ज्ञान की व्यापकता, यानी उस विद्वान जस के ज्ञान की व्यापकता के चलते वह कोर्ट उसका रिस्पेक्ट करने के लिए क्या हो गई, बात, यानी यहां प्रोफंडिटी ऑलरेडी सही है। प्रोफंडिटी मीन्स व्यापकता, जब ज्ञान वगैरह बहुत अधिक आपके पास हो तो आपके पास प्रोफंडिटी, यानी वो ज्ञान प्रोफाउंड है, पर्याप्त है, व्यापक है। Okay? यानी नो इंप्रूवमेंट हो जाए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 9, ही ऑब्जेक्टेड टू द प्लान ऑन द ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड्स मीन्स के चलते, के वजह से, के आधार पर, ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वॉज टू एक्सपेंसिव, यानी उसने उस प्लान का विरोध किया on the grounds, इस आधार पर, that key, it was too expensive, कि उस प्लान में बहुत अधिक खर्च आने वाला है, वो योजना बहुत महंगी है, इसलिए उसने विरोध किया। क्या होगा, he refused to the plan, he disagreed to the plan, या he declined to the plan, या he no improvement, already वो सही हो, कौन सा बेस्ट ऑप्शन? एक छोटा सा क्लू और आप आराम से समझ जाएंगे, और वो क्लू क्या है पता है, वो क्लू है टू, रिफ्यूज्ड टू द प्लान नहीं होता, अगर टू नहीं होता तो ही रिफ्यूज द प्लान कर सकते थे आप,
डिसएग्रीड टू द प्लान नहीं होता है, डिसएग्रीड विद द प्लान होता है, यहां पे नहीं होगा। डिक्लाइंड द प्लान होता है, टू लगेगा ही नहीं, यानी ऑब्जेक्टेड खुद सही है। क्यों सही है? अभी पीछे आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट टू समथिंग होता है, किसी चीज का अगर आपको विरोध करना है तो ऑब्जेक्ट साथ क्या लगाते हैं, टू। ये टू बता रहा है कि ऑब्जेक्टेड खुद यहां क्या है, सही है, यानी नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है और आप देख ले बता सकते हैं। आज मैंने ऑप्शन इधर कर दिए ताकि वो दिखने की आपकी प्रॉब्लम न रहे। देख लें आप, आल्दो यद्यपि फ्रूट्स कैन नो लॉन्गर ग्रो वंस पिक्ड, पिक्ड में आप तोड़ लिया जा रहा, आल्दो फ्रूट्स कैन नो लॉन्गर ग्रो, यानी यद्यपि फ्रूट्स जो होते हैं वो बढ़ नहीं सकते, विकसित नहीं हो सकते हैं, वंस पिक्ड, एक बार यदि उन्हें क्या कर लिया गया, तोड़ लिया गया, क्या इसके बाद ये कभी आ सकता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड, कभी नहीं आ सकता। ये आ सकता है क्योंकि अब यहां हो गया ना, ऑल्दो फ्रूट्स कैन नो लॉन्गर ग्रो वंस पिक्ड, एक क्लास हो गई ऑल्दो वाली, दूसरी क्लास दे से शुरू हो सकती है, तो ऑल्दो फ्रूट्स कैन नो लॉन्गर ग्रो वंस पिक्ड दे, सही दे किसके लिए, फ्रूट्स के लिए, दे कंटिन्यू टू रेस्पायर, लेकिन वो रेस्पायर करते रहते हैं, वो उनकी श्वसन क्रिया चलती रहती है फॉर सम टाइम, कुछ समय, क्या इसके बाद ये कभी आ सकता है, कभी नहीं, यही आएगा। जस्ट एज ह्यूमन बींग शुड डू, ये जस्ट एज ह्यूमन बींग शुड डू हर हाल में किसके बाद आएगा, आ जाएगा, दे कंटिन्यू टू रेस्पायर, रेस्पायर में सांस लेना, दे कंटिन्यू टू रेस्पायर फॉर सम टाइम, कुछ समय तक वो सांस लेते रहते हैं, जस्ट एज ह्यूमन बींग्स डू, ठीक वैसे जैसे मनुष्य करते हैं, कब, व्हेन दे ब्रेथ, जब वो सांस लेते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो, यानी जब भी आएगा, पहले जोड़ दें आप, ये लास्ट में आना, ठीक है, तो ऑल्दो फ्रूट्स कैन नो लॉन्गर ग्रो वंस पिक्ड दे कंटिन्यू, ये सही है कि जब भी आएगा पहले क्यू आएगा, हो गया आंसर आपका, मैंने देखा ही नहीं इतना आसान है आप, क्यू पी आर एस, क्यू के बाद पी जोड़ के देखते हैं, ऑल्दो फ्रूट्स कैन नो लॉन्गर ग्रो वंस पिक्ड दे कंटिन्यू टू रेस्पायर फॉर सम टाइम, कैसे रेस्पायर करते हैं वो, टेकिंग इन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एंड गिविंग ऑफ, क्यू पी आर, गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, भाप छोड़ते हैं। क्लू एक और था कि पी के बाद जब भी आएगा क्या आएगा, आर आएगा ना, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दो क्लूज हो गए, वैसे कई क्लूज हो सकते हैं, पहला क्लू कि दे आएगा और पी के बाद हमेशा आर आएगा, तो क्यू पी आर एस, और ये जब भी आएगा लास्ट में आएगा, क्यों लास्ट में आएगा, जस्ट एज ह्यूमन बीइंग शुड डू, जैसे मनुष्य करते हैं, क्या करते हैं, व्हेन दे ब्रेथ, जब वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन, चलिए ये भी कर सकते हैं आप, एफर्ट्स शुड बी मेड, यानी प्रयास किए जाने चाहिए टू स्टिम्युलेट एक्सपोर्ट, स्टिम्युलेट मीन्स प्रेरित कर, प्रयास किया जाना चाहिए टू स्टिम्युलेट एक्सपोर्ट, ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, उसे प्रेरित किया जा सके। वी हैव एनदर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अभी हमने कहीं भी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की बात नहीं की है, तो ये पी नहीं आना चाहिए, बट पीपल आर रिलेक्टेंट टू पार्ट विद इट, अभी हमने किसी चीज से अलग होने, जुड़ने की बात नहीं की है, तो पार्ट विद कैसे हो जाए, आई मीन हो सकता है, I mean the huge quantities of hoarded gold. और देखते हैं, it is necessary to increase our foreign exchange, है? Foreign exchange reserves. Efforts should be made to stimulate exports. यानी प्रयास किया जाना चाहिए ताकि exports को बढ़ावा दिया जा सके, क्यों,
क्योंकि इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि हमें जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसे हर हाल में बढ़ाने की क्या है जरूरत है। कैसे? आई मीन द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ होल्डेड गोल्ड। ये तय है कि जो आर है वो क्यू के पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आई मीन द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ होल्डेड गोल्ड और बट पीपल आर रिलेक्टेंट टू पार्ट विद इट। अब ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। आर और क्यू किसमें है? नहीं है, है यहां, नहीं है, है यहां। लास्ट में ही दोनों में दिए गए, यानी ये तय है कि आर और क्यू लास्ट में आएगा, तो यानी या तो एस आएगा या पी आएगा। इनमें कॉमन सेंस रखें, या तो पहला एस होगा या पी होगा। अब हम कर सकते हैं, एफर्ट्स शुड बी मेड टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स। एस लेकर देखते हैं, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सही हो सकता है। ये भी देखते हैं, पी लेकर के, एफर्ट्स शुड बी मेड टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स, वी हैव अनदर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पी तो नहीं कभी आएगा मैंने कहा, यानी जब भी हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब एक साथ मिला लेते हैं, एफर्ट्स शुड बी मेड टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स, इट इज नेसेसरी जरूरी है टू इंक्रीज आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाएं। पी ले लेते हैं, इस बढ़ाने के लिए वी हैव अनदर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास अन्य स्रोत है। कौन सा स्रोत है? सही है, आई मीन द यूज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड, यही स्रोत है ना, कि हमारे पास यूज क्वांटिटीज ऑफ होल्डेड गोल्ड है। लेकिन इसके जो होल्डेड गोल्ड है, लोग इससे अलग नहीं होना चाहते, उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इफ दे आर विलिंग, क्योंकि यदि वो ऐसा चाहेंगे तो गोल्ड कैन बी सोल्ड एब्रॉड, तो गोल्ड बाहर बेचा जा सकता है। बिल्कुल सही आपका है, बी ऑप्शन, एस पी आर के। And this is the most important section. देख लें, superstition is dash in dash which dash be explained by the dash of nature and also not by religion and also not by religion. चलिए यहीं शुरू करते हैं। superstition is बिलीवर, सुपरस्टिशन बिलीवर कैसे हो सकता है? जो विश्वास करेगा वो बिलीवर होगा? नहीं होगा। सुपरस्टिशन इज बिलीव्स, इज के बाद कौन सा ऐसा है जहां बिलीव्स आ सकता है? नहीं होगा। सुपरस्टिशन इज बिलीफ हो सकता है, सुपरस्टिशन इज बिलीव कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद न तो ये आ सकता है, न ये आ सकता और न ये या सी हो जाएगा। इतना समझदार आपको होना पड़ेगा इस सेंस में, क्लोज टेस्ट के सेंस में। सुपरस्टिशन इज बिलीफ इन इन विच, तो इन नथिंग, इन एवरीथिंग, इन एनीथिंग या इन समथिंग, क्या हो? विच डैश बी, सुपरस्टिशन इज बिलीफ सही है इन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सुपरस्टिशन इज बिलीफ इन, इन नथिंग विच, इन नथिंग कैसे आएगा? नहीं आएगा। इन एवरीथिंग विच आ सकता है, लेकिन आगे की लाइनें पढ़ेंगे तो यहां पे बताएगा कि सुपरस्टिशन हर चीज में तो नहीं होता होगा, तो एवरीथिंग को अभी एलिमिनेट करते हैं। सुपरस्टिशन इज एनीथिंग न लगाए, क्योंकि प्रेडिकेट के पोर्शन में अफर्मेटिव सेंटेंस में आप एनीथिंग नहीं क्या लगाते हैं? समथिंग लगाते, होगा ना। तो सुपरस्टिशन इज बिलीफ इन समथिंग, यानी किसी ऐसी चीज में वो विश्वास है। अब अगर मन में आ रहा है सर एनीथिंग क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो ग्रामर पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव में एनी नहीं सम का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहां पर समथिंग बेस्ट होगा। तो सुपरस्टिशन इज बिलीफ इन समथिंग, किसी ऐसी चीज में सुपरस्टिशन को एक विश्वास माना जाता है। विच जो चीज डैश बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी एक्सप्लेन्ड हो सकता है, विल बी एक्सप्लेन्ड हो सकता है,
विल नॉट बी एक्सप्लेन हो सकता है या कैन नॉट बी एक्सप्लेन हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा? यहां से, बाय द डैश ऑफ नेचर एंड ऑल्सो नॉट बाय रिलेशन, है ना? अब ये कैन और विल तो नहीं, क्योंकि ऑल्सो नॉट बाय रिलीजन बता रहा है कि धर्म के द्वारा भी नहीं समझाया जा सकता है, यानी उसे इसके नेचर के द्वारा भी नहीं समझाया जा सकेगा, नहीं समझाया जा सकता है कि नहीं समझाया जाएगा, ये तो नहीं आएगा ना, तो स्पष्ट है कैन नॉट हो जाए। ओके, सुपरस्टिशन इज बिलीफ इन समथिंग विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई द डैश ऑफ नेचर। ये ऑफ नेचर आपसे चीख चीख के कह रहा है कि लॉज ऑफ नेचर होता है ना, मीन्स ऑफ नेचर क्या होता है, नहीं होगा, मेथड्स ऑफ नेचर नहीं होता है, वेज ऑफ नेचर होता नहीं। अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई की हो, पैसेज अगर पढ़े हो, तो आप जानते हैं लॉज ऑफ नेचर होता है, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो सुपरस्टिशन इज बिलीफ इन समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द लॉज ऑफ नेचर, यानी जिसे नेचर के नियमों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, एंड ऑल्सो नॉट बाय रिलीजन, और धर्म के द्वारा भी नहीं समझाया जा सकता है। फार फार इंस्टेंस होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं आपको है, क्योंकि आपको याद है फार इंस्टेंस मीन्स उदाहरण के लिए होता है, फार इंसिस्टेंस कोई मतलब नहीं, फार इंस्टेंट कोई मतलब नहीं, फार इंसिस्टेंट कोई मतलब नहीं, तो तुरंत आना चाहिए फार इंस्टेंस उदाहरण के लिए। अ सुपरस्टिशियस पर्सन, उदाहरण के लिए एक अंधविश्वासी व्यक्ति बिलीव्स, विश्वास करता है दैट ही अ ब्लैक कैट, ये तो अक्सर आपकी लाइफ में होता है कि काली बिल्ली, कौन सी काली बिल्ली, डैश क्रॉसेज हिज पाथ, जो उसके पथ को, उसके रास्ते को क्रॉस करती हो, विल ब्रिंग हिम, ये तय है कि ब्लैक कैट की जो वर्ब है वो यहां है विल ब्रिंग, अगर ये वर्ब है कैट की तो फिर यहां क्या है, क्रॉसेस, यानी अ ब्लैक कैट क्रॉसेस हिज पाथ विल ब्रिंग होगा, या ब्लैक कैट क्रॉस हिज पाथ विल ब्रिंग होगा, या ब्लैक कैट Crossing his path will bring होगा। जिस भी बच्चे ने सेंटेंस में मेहनत किया वो तुरंत कर लेगा यहाँ क्रॉसिंग होगा। A black cat crossing his path, वो ब्लैक कैट जो क्रॉसिंग हिज पाथ, उसके पाथ को क्रॉस कर रही, उसके रास्ते को काट रही है, वो ब्लैक कैट विल ब्रिंग हिम, क्या ले आएगी वो, उसके लिए लक ले आएगी, क्या ऐसा लोग मानते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टीज लेकर आएगी, काश ऐसा होता नहीं, क्या उसके लिए फॉर्च्यून लेकर आएगी, कभी नहीं, क्या लेकर आएगी, उसका दुर्भाग्य, यानी उसका कुछ बुरा हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, विल ब्रिंग हिम मिस फॉर्च्यून। एक बार पूरा देख लेते हैं, सुपरस्टिशन इज बिलीव इन समथिंग, यानी सुपरस्टिशन एक विश्वास है, इन समथिंग किसी ऐसी चीज में विच जो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक नियमों के द्वारा आपको समझाया नहीं जा सकता है, एंड ऑल्सो नॉट बाई रिलीजन, और धर्म के द्वारा भी आपको नहीं समझाया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अ सुपरस्टिशियस पर्सन, एक जो अंधविश्वासी व्यक्ति होता है, बिलीव्स, वो ये मानता है, वो विश्वास करता है दैट कि अ ब्लैक कैट, एक काली बिल्ली, क्रॉसिंग हिज पाथ, जो उसके रास्ते को काट रही है, विल ब्रिंग हिम misfortune, उससे उसके जिंदगी में कुछ ना कुछ क्या होगा, बुरा होगा, उसका दुर्भाग्य होगा। ओके, बढ़िया से पढ़िएगा, ऐसे धीरे धीरे बनाएं, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे मैं इसे बेहतर करता जा रहा हूं, और आप बेहतर समझ भी रहे होंगे, समझ रहे हैं ना, आप बेहतर कर रहे होंगे, सोचें, ज्यादा से ज्यादा सोचें, शब्दों के बीच में अंतर करना सीखें, तो आपके लिए ग्रामर के थ्रू आप लॉज टेस्ट को आसान कर सकते हैं, और आगे तो हर हाल में आपको जरूरत पड़ेगी, मेंस में, सीजल मेंस में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, आप अभी से लग जाएं कि हमको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ओके, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड फॉर, आपको जो शब्द चुनना है उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, यानी एक स्पेलिंग सही होगी बाकी स्पेलिंग्स गलत होगी।
डिसगाइज तो नहीं होता है, डिसगाइज याद है, डी आई एस जी वाई एस ई होगा, सही, यानी ये गलत है। ट्रेवलर, ये तो सही है, सही है कि नहीं, है कि नहीं सही बताइए, गलत है नहीं। ट्रेवलर अमेरिकन इंग्लिश में सही है, ब्रिटिश इंग्लिश जो आपको फॉलो करना है उसमें डबल एल हो जाए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिमेट्रस सही है कि गलत, स्पेलिंग याद है आपको, एस आई एम यू एल सेमन टेनस टी ए एन ओ ई ओ यू एस होता है, यानी ये भी गलत, और अगर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो क्या आपको जरूरत है आगे बढ़ने की, समझ जाएंगे कि चौथा की स्पेलिंग क्या है, सही है, जो फोर्थ वर्ड है कर्टियस सही है, सी ओ यू आर टी ई ओ एस कर्टियस सही आपका। डिस्गाइज भेस बदलना होता है, ट्रेवलर आप बनते हैं, सिमेंटनस साथ साथ एक दूसरे के साथ साथ सिमेंटनस होता है, कर्टियस शिष्ट जो व्यक्ति विनम्र होता है, शिष्ट होता है, सदाचारी होता है, वो कर्टियस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 एंड वन ऑफ द मोस्ट सेगमेंट वाइश। ओके, समबडी इंट्रोड्यूस्ड मिस्टर, यहां एम कैपिटल है, मिस्टर सॉरी सही है, मैं मिस्टर पढ़ रहा हूं, मी लिखा है, समबडी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डॉक्टर बत्रा यस्टरडे। देखिए चारों ऑप्शंस, समबडी इंट्रोड्यूस्ड मी, ये तो चीख चीख के आपसे कहेगा, इसका आंसर जब भी होगा वाज वर्ब से होगा, सही है ना, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस लेंगे आप हेल्पिंग वर्ब। यस्टरडे डॉक्टर बत्रा वाज है, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय समबडी, सही हो सकता है, समबडी वाज इंट्रोड्यूस्ड ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कैसे पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, आई वॉज इंट्रोड्यूस है ना, वॉच और मी आपका ऑब्जेक्ट था, तो आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्टर बत्रा सही है, यस्टरडे, कहीं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये परफेक्ट है आप, डॉक्टर बत्रा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मी, मैंने डॉक्टर बत्रा को तो इंट्रोड्यूस कराया नहीं था, somebody ने कराया था, ये इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि यस्टरडे डॉक्टर बत्रा वॉज इंट्रोड्यूस्ड किसको इंट्रोड्यूस कराए गए थे, गलत है, और बाई समबड़ी आप नहीं ले सकते, पढ़े होंगे आप, यानी सी ऑप्शन होगा, आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्टर बत्रा यस्टरडे। देखें, किसी ने परिचय कराया, किसका, मेरा, यानी मेरा परिचय कराया गया किससे, इनसे, यानी आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड उतार दीजिए पूरा, यानी आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्टर बत्रा यस्टरडे, I was introduced to Dr. Batra. Okay, let's proceed. Narration, 21st question. देख ले, He said, उसने कहा, My wife was making lunch while I was studying. मेरी पत्नी लंच पका रही थी, बना रही थी, जब मैं पढ़ रहा था, यानी मेरे पढ़ने के दौरान वो लंच बना रही थी. क्या हो? He said that his wife had been making lunch while he was studying. He said that his wife had been making lunch while he had been studying. He said that his wife was making lunch while he had been studying. Yeah, he said that his wife was making lunch while he was studying. ये प्रश्न आपको आंख मूंद करके आ जाना चाहिए। जैसे आपने while सुना, तो आपके मन में आना चाहिए कि यह एक टाइम कंजंक्शन, और मैंने कहा था जब दो एक्शंस एक साथ साथ चल रहे हो टाइम कंजंक्शन के साथ, या एक के तुरंत बाद दूसरा हो, तो उसमें आप टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। याद कर लें फिर से, आप एज सून एज वाली क्लास में न परिवर्तन करें, आफ्टर बिफोर वाली क्लासेस में न परिवर्तन करें, यदि वो एक के तुरंत बाद दूसरा दिखाया जा रहा है आप, और इसमें ये वाई वाले में न परिवर्तन करें, क्यों, क्योंकि पैरेलल एक्शंस ये क्या है, समान एक साथ दोनों कार्य चल रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, यहां परिवर्तन किया गया है,
यहां परिवर्तन किया गया है, यहां परिवर्तन किया गया है, लेकिन यहां नहीं किया गया है। He said that पूरा उतार दिया गया। His wife was making lunch while he was studying। यानी D option हो जाए। One more substitution आ गया। Fear of failure, असफलता का भय, जो बहुत लोगों को कचोड़ता है, उन्हें परेशान करता है, embarrass करता है। क्या होगा? असफलता का भय किसको कहेंगे? Failure phobia और Epiphobia, हाइड्रोफोबिया या हेलमेंथोफोबिया। क्या होगा? फियर ऑफ फेलियर। फेलियरोफोबिया होता है क्या? कोई वर्ड ही नहीं होता है फेलियरोफोबिया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब इतना तो आप समझदार हैं ना कि हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, तो ये तो पानी का भय, दोनों नहीं होगा। हेलमेंथो पढ़े हैं आप, हेलमेंथो मीन्स इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट जो होता है वो, तो ये भी नहीं होगा। तो फियर ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा? एपिचीफोबिया, यानी असफलता के भय को क्या कहते हैं? एपिचीफोबिया। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काम आएगा। वन हु हैज नैरो टेजरिस्ट रिलीजियस व्यूज। ये चारों शब्द मैं जानबूझ के आपको दे तैयार कराने के लिए आप, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो संकीर्ण सोच रखता हो, रिलीजियस व्यूज यानी धार्मिक रूप से, धार्मिक विचारों में वो कहीं कहीं नैरो टेजरिस्ट हो, नैरो एंड यहां होगा, वन हु हैज नैरो एंड टेजरिस्ट रिलीजियस व्यूज, ठीक है। यानी धार्मिक रूप से जो बहुत संकीर्ण सोच रखता हो, बहुत कट्टर होता हो, वो कौन है? फैनेटिक है? नहीं, मैंने बताया था फैनेटिक किसी व्यक्ति के प्रति जब आप दीवाने हैं तो आप फैनेटिक होते हैं, ठीक है। जिंगोइस्ट नहीं होगा। जिंगोइस्ट जब आप अपने देश, अपने कौम परस्त हो जाते हैं, अपने देश के प्रति दीवानगी होती है, वो जिंगोइज्म होता है, ये नहीं होगा। शॉविनिस्ट कतई नहीं होगा, दोनों एक ही है आपके, कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों नहीं होंगे। ये भी नहीं होगा तो आप जानते हैं बिगट हो जाएगा। बिगट धार्मिक को, कट्टर को कहते हैं। जो धार्मिक कट्टरता, धार्मिक पूर्वाग्रह दिखाता है वो कौन होता है? बिगट होता है। तैयार कर लीजिएगा, फैनेटिक किसी व्यक्ति वगैरह के प्रति जो कट्टर हो, बिगट जो धर्म के प्रति कट्टर हो, जिंगोइस्ट और शॉविनिस्ट जो अपने देश के प्रति कट्टर हो, अंधराष्ट्रीयता जिनमें हो, कौम परस्ती हो, अपने देश को ही सबसे बड़ा महान समझते हो, वो जिंगोइस्ट या शॉविनिस्ट हो। एंड 24th क्वेश्चन पे आ गया है, विशियस, देख लें क्या हो जाए। विशियस का एंटोनिम आपको चूज करना है, हेटफुल, वेनमस, नोबल या केयरलेस। ये कब कर पाएंगे आप? जब आपको इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आए। हेटफुल आप जानते हैं, घृणित या घृणा से भरा हुआ। वेनमस ये भी है जिसके अंदर जहर भरा हो, घृणा भरी हो। नोबल श्रेष्ठ, अच्छा, सज्जन। केयरलेस जो लापरवाह हो। प्रश्न फिर वही है कि डू वी नो द मीनिंग ऑफ वेसियस? क्या हम वेसियस की मीनिंग जानते हैं? या वी नो वेसियस मीन्स बुरा। जो आदमी बुरा होता है, घृणित होता है, वो वेसियस होता है। तो इसका एंटोनिम, जो आदमी नोबल होता है, मीन्स श्रेष्ठ होता है, सज्जन होता है, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो वेसियस का एंटोनिम नोबल, ठीक है। ये वर्ड याद कर लीजिएगा, वेनमस, जहर से, घृणा से भरा हुआ। और ये लास्ट वर्ड है आपका सिनोनिम, रिक्विजिट। रिक्विजिट का सिनोनिम आपको बताना है, ठीक है, क्या होगा। रिक्विजिट अर्जेंट होता है, रिक्विजिट रिवार्ड होता है, रिक्विजिट अननेसेसरी होता है, या रिक्विजिट अनडिजायर्ड होता है। कुछ चीजें कॉमन सेंस पे होती है, अगर आप सोचेंगे तो आप दो को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी और अनडिजायर्ड दोनों एक ही चीजें हैं। इट मीन्स ये दोनों तो नहीं होनी है, क्योंकि एक ही शब्द का दो दो सिनोनिम कैसे एक जैसा हो जाए, ये नहीं होगा। लेकिन उससे बड़ी चीज है कि क्या हम रिक्विजिट की मीनिंग जानते हैं? जानते हैं।
रिक्विजिट मीन्स आवश्यक होता है। जो चीज अपेक्षित हो, आवश्यक हो, वो चीज क्या होती है? रिक्विजिट होती है। जो चीज आवश्यक है वह रिवार्ड तो नहीं होगी ना, हो गया आंसर। अर्जेंट, अर्जेंट मीन्स आवश्यक, जरूरी, तो ये तो अननेसेसरी है, ये अनडिजायर्ड है, ये तो एंटोनिम्स हो जाएंगे। हमको क्या चाहिए? सिनोनिम। तो रिक्विजिट का सिनोनिम अर्जेंट हो जाए। चलिए, आप जो भी बच्चे मेहनत करते होंगे उनको मेरे साथ खुशी होती होगी, कोई ऐसा आपके साथ है जो आपकी केयर करता है, जो दिल से चाहता है कि आप सफल हो जाए। मैं दिल से चाहता हूं आप सफल हो जाएं। ये सब करने की मेरी ये वजह है कि मैं एक सिस्टम दे दूं आपको कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। जो भी बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, विश्वास करें, आप कभी भी असफल नहीं हैं। जो जिस बच्चे ने इंडिविजुअल कर लिया, जिस बच्चे का ग्रामर पोर्शन वो कहे बढ़िया हो, तो हर टीचर आपसे कहेंगे कि आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। अगर आप किसी भी बड़े शहर में हैं, इलाहाबाद या दिल्ली में हैं या लखनऊ में हैं, तो हर टीचर, वहां का एटमॉस्फेयर भी आपसे कहेगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद करें, जैसे वो बच्चा इंडिविजुअल कर लेता है, वैसे टीचर कहते हैं अब आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो। यही कहते हैं वो, ये रेगुलर मैं आपकी प्रैक्टिस ही तो करा रहा हूं, अगर कोई कमी हो आप मुझे बताएं, मैं बिल्कुल भी उन्हें दूर करने की कोशिश करूं हर हाल में, क्योंकि मेरा टारगेट है आपकी खुशी, आपको खुश करना, आपको संतुष्ट करना, ताकि आप खुश हो, मेहनत करें, सफल हो जाएं और अपने माँ बाप को आप खुश कर सकें, जो मेरी भी दिल की खुशी हो। ठीक है, तो एक प्रयास है, कहीं भी कोई कमी रहे जरूर बताएं मुझे, यहां सर और बेहतर किया जा सकता है तो मैं जरूर ही इंप्रूव करने की मैं कोशिश करूंगा, ना करूं तो आप कहिएगा, मैं जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना मेरी खुशी यही है कि आप खुश रहो, संतुष्ट रहो। ठीक है, जरूर बताइएगा, और जहां भी आप लगे इंस्पायर करने की जरूरत है, वहां अपने टीचर को इंस्पायर भी करना सीखें, क्योंकि उससे वो और दोहरी लगन, डबल कमिटमेंट के साथ वो और मेहनत करने की कोशिश करता है। हर बच्चा, हर व्यक्ति चाहता है उसे इंस्पायर किया जाए, दो शब्द उसके मीठे बोले जाए कि हाँ ठीक है, ये प्रयास आपका अच्छा है, तो मैं भी चाहूंगा, आप भी चाहेंगे, जैसे आप सही जवाब देते हैं तो एक बच्चे के सुझाव देखे, हर उस बच्चे को मैं इंस्पायर करने की कोशिश करता हूं कि आपने सही जवाब दिया, आप बेहतर जा रहे हैं। ऐसे जहां भी लगे आपको कि आप कमी मेरी हो रही, बताते रहें, जहां भी लगे अच्छा हो रहा है मुझे इंस्पायर करते रहें, सारी वीडियोस को शेयर करते रहें, अन्य लोगों को बताते रहें, अपना समझ के बताएं। आपका टीचर आपका अपना ही बाबू, ठीक है, तो अपना समझ के बताएं कि सर मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे भी मेहनत करें और निश्चित ही सफल हो जाएं। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, फॉर बीइंग अ पार्ट विद माय लाइफ। ओके, जस्ट गो एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट रन ऑफ योर एग्जामिनेशन। गुड नाइट, थैंक्स।